नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे? पाँच चार क्या है बच्चों? मछली जल की रानी। ये कौन से ई की मात्रा है? छोटे ई की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है? बड़े ई की मात्रा। कौन से ई की मात्रा है? बड़े ई की मात्रा। तो अपन पढ़ेंगे बच्चों फिर से, पहले क्या पढ़े थे फिर एक बार याद करेंगे बच्चों। मछली जल की रानी, कौन से ई की मात्रा है? बड़े ई की मात्रा। जल की रानी पानी पी मछली, मछली जी भर जी, नीली पीली काली हरी, धरती गीली हरी भरी, बड़ी बड़ी ती चील खड़ी, मछली रानी नहीं डरी। आपको तालाब में कैसे मछलियां दिखाई दे रहे? रंग बिरंगी मछलियां दिखाई दे रहे। कैसे मछलियां दिखाई दे रहे आपको? रंग बिरंगी मछलियां दिखाई दे रहे। और यहाँ पर पेड़ पे कौन बैठा हुआ है? चील बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? चील। देखो आपको कब्बे के जैसा ही दिखाई दे रहा, क्या है ये? चील है। तो ये हो गया, आपको ई की मात्रा कैसा लिखना है व्यंजन में वो भी आपको सिखाई बच्चों। और यहाँ पर देखो शब्दार्थ है, शब्दार्थ में वर्ड मीनिंग। जल, जल बोले तो क्या है? वॉटर। रानी, क्वीन, चील, काइट, नीली, ब्लू, काली, ब्लैक, मछली, फिश, पीली, येलो, हरी भरी, ग्रीन, धरती, लैंड। आपको ये शब्दार्थ भी पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। और यहाँ पर पढ़िए समझिए और पढ़िए समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको ई कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे वहाँ पर क्या करना है? आपको मात्रा लगाना है। क्या करना है? मात्रा लगाना है। जी, हाथी, चीनी, पानी, पपीता, बकरी। तो आपको यहाँ पर ई जहाँ है वहाँ पर आपको मात्रा लगाना है। पढ़िए और समझिए, यहाँ पर आपको मात्रा है, मात्रा मिलाकर आपको शब्द बनाना है। मात्रा मिलाकर शब्द बनाना है। हा प्लस रा प्लस ई की मात्रा, हरी। काकुआ की मात्रा क प्लस ला प्लस ई की मात्रा, काली। प ई की मात्रा, ला ई की मात्रा, पीली। नाकु ई की मात्रा नी, लाकु ई की मात्रा ली, नीली। ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। दिए गए शब्दों में बड़ी की मात्रा पर गोला लगाइए। दादी, खीरा, इडली, घड़ी, लीची, मछली, पानी, खड़ी, मकड़ी, मीठी, खीर, कहानी। यहाँ पर आपको ई की मात्रा जहाँ है वहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती बच्चों। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, पहले आ की मात्रा में छोटे ई की मात्रा में कैसा ही आपको गोला करे है वैसा ही यहाँ पर गोला करना है, खाली मात्रा को गोला करना है। एग्जांपल में द प्लस आ की मात्रा प्लस द ई की मात्रा दादी हो गया। तो आपको खाली ई की मात्रा को क्या करना है? गोला करना है। खाली की मात्रा को क्या करना है? गोला गोला करना है। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ई के स्थान पर बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है ना बच्चों, आपको क्या करना है? यहाँ पर ई दिया गया है, ई के बदले में आपको क्या करना है? मात्रा लगाना है। आपको ये बताती बच्चों, देखो यहाँ पर ई के स्थान पर प्लस ई
नंबर पांच ला प्लस की प्लस ला को आती मात्रा। नंबर छह ढ प्लस की प्लस ला को आती मात्रा। तो यहाँ पर देखो बच्चों ना आपको रिएक्शन कैसा है वैसे ही ड्रॉ लिखना है। यहाँ पर ना को कौन सी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ला को आती मात्रा, क्या हो गया नीला, क्या हो गया बच्चों नीला। ग को ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा गी, ला को आ की मात्रा ला, क्या हो गया गीला। और यहाँ पर देखो बच्चों ठ को बड़ी की मात्रा टी, ला को आ की मात्रा ला टीला। ला को ई की मात्रा ली, ला को आ की मात्रा ला लीला। ढ को ई की मात्रा ढी, ला को आ की मात्रा ला, क्या हो गया ढीला। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आपको यहाँ पर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर आपको खाली स्थान है ना, यहाँ पर ई के बदले में आपको मात्रा मिलाकर शब्द लिखना है। चित्र देखिए और ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर कितने चित्र है, छह चित्र है। कितने चित्र है बच्चों, छह चित्र है। कौन से है, खीरा, लीची, नाशपति और पपीता, इडली और बर्फी। कितने चित्र है, छह चित्र है। कौन से है, यहाँ पर खीरा दिखाई दे रहा बच्चों, खीरा, कुकुम्बर, लीची, यहाँ पर लीची आपको दिखाई दे रहा, एक फ्रूट है। और नाशपति, यहाँ पर देखो आपको नाशपति दिखे, ग्रीन एप्पल। यहाँ पर देखो पपीता, पपाया दिखाई दे रहा, इडली और बर्फी, एक स्वीट काइंड ऑफ स्वीट। देखो यहाँ पर बर्फी दिखाई दे रही है आपको, एक काइंड ऑफ स्वीट है। ये आपको समझ में आया, देखो बच्चों ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र क्या है देखो, पहला चित्र खीरा, कोई की मात्रा खी, रा की मात्रा रा, तो आपको ई की मात्रा लगाना है। दूसरा देखो लकुई की मात्रा ई, चकुई की मात्रा ची, लीची। नंबर तीन न श, पापुआ की मात्रा पा, टाकुई की मात्रा ती, नश्वति। और पा पकुई की मात्रा ती, तपा की मात्रा ता, पपीता। और यहाँ पर ई ड, लकुई की मात्रा ली, इडली। नंबर छह बा रा, फाकुई की मात्रा फी, भरफी। तो आपको ये शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, कंप्लीट करना है आपको, ई की मात्रा पर कंप्लीट करना है आपको। देखो यहाँ पर कंप्लीट द वर्ड बाय पुटिंग साइन इन ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ की मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा, नाना नानी, मम्मी के पापा और मम्मी को क्या बोलते हैं, नाना नानी। और यहाँ पर चाचा चाची, आपके पापा के भाई है ना, उनको क्या बोलते हैं आप, चाचा। उनके पत्नी को क्या बोलते, चाची। उनके पत्नी को क्या बोलते, चाची। लड़का लड़की, लड़का लड़की। बकरा बकरी, बकरा बकरी। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी। मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। क्या है यहाँ पर, मुर्गा मुर्गी, क्या दिखाई दे रहा आपको, मुर्गा मुर्गी। नाना नानी, चाचा चाची, लड़का लड़की, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी। आपको यहाँ पर जहाँ खाली स्थान दिखाई दे रहे वहां पर आपको क्या करना है, ई की मात्रा लगाना है। क्या करना है आपको, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा लगाना है यहाँ पर। समझ में आ रहा, आज का गृह कार्य यही है बच्चों, आपको ये करना है, ये कंप्लीट करना है, ये अपने आप करना है, इजी है, आपको खाली ई की मात्रा लगाना है। देखो यहाँ पर ना ना, ना को आ की मात्रा ना, ना को आ की मात्रा ना ना ना, ना को आ की मात्रा ना, ना को ई की मात्रा नी नानी, नाना नानी, चाचा चाची, लड़का लड़की, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी। ये गृह कार्य है बच्चों, ये आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, धन्यवाद।